अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरगस्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फैज़ान। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ओसिलोस्कोप को। हम देखेंगे कि ओसिलोस्कोप क्या चीज़ है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैं पर्सनली सर्किट डिज़ाइनिंग के अंदर इसको क्यों यूज़ करता हूँ और कैसे यूज़ करता हूँ। इससे हम लोग कर्सर्स के थ्रू वोल्टेज की वेव फॉर्म्स को कैसे मेजर करते हैं, सिंगल शॉट्स कैसे लेते हैं और फ्रिक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, और बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो सारी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, ये रही ओसिलोस्कोप और ये है यूनिटी की ओसिलोस्कोप। UTT2102CEL इसका मॉडल है। 100 MHz जो है इसकी बैंडविड्थ है और 1 GSS इसका सैम्पलिंग रेट है। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन है और इस साइड हमारे पास टूल्स हैं, ठीक है, मतलब बटन्स, फंक्शन बटन्स वगैरह हैं सारे। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, चैनल 1 और चैनल 2, इन्हीं को हम लोग यूज़ करेंगे। दोस्तों, ओसिलोस्कोप के साथ हमें जो है प्रॉब्स मिलती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की दो प्रॉब्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स होते हैं उनके, उनको हम चैनल 1 और 2 पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका कनेक्टर्स है, तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। अब इस प्रॉब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर बटन है और उस बटन के ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 1x और 10x, ठीक है। 1x और 10x का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसको रीड करें तो इसके ऊपर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नीचे जो टू लाइन्स हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है 150 वोल्ट AC 1x, यानी 1x पे आप करें तो 150 वोल्ट AC तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं, और अगर आप 10x पे करें तो 300 वोल्ट AC तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इसको 10x के ऊपर रखेंगे बटन को। मैंने अभी तक जो है 1x के ऊपर नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप जैसे इसको 10x पे कर दें, 10x पे करने के लिए आपने जस्ट इसको ना इस साइड इधर 1x पे आप नहीं रखना है, इसको 10x पे आपने रखना है। तो ये पहली सेटिंग है इसकी। दोस्तों, अभी ओसिलोस्कोप को हम पावर ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर पुश बटन होता है, आपने ये जो पावर कनेक्टर है 220 वोल्ट इसको दे देने हैं। जब आप पुश बटन प्रेस करेंगे तो ओसिलोस्कोप जो है ये पावर ऑन हो जाएगी। इसके ऊपर ये इसका नाम वगैरह लिखा आ रहा है और अभी जो है ओसिलोस्कोप ऑन कंडीशन के अंदर है। तो सबसे पहला काम जो आपने ये करना है कि आप देखें ये जो लाइन है ये नीचे है, ठीक है, इसको आपने ग्राउंड लेवल पर लेके जाना है, ठीक है। इसका सेंटर जो होता है इस पर हमारे पास एक ग्राउंड लेवल होता है, तो वो करना आपने कैसे है, यहाँ पर एक बटन है सेट टू ज़ीरो का, ठीक है, इसको आपने प्रेस कर देना है। जैसे ही मैंने प्रेस किया है तो ये देखें ये जो लाइन थी ये हमारी सेंटर में आ गई है बिल्कुल। अब आपने करना ये है कि आपने इसके साथ अब प्रॉप जो है वो कनेक्ट करनी है। इसका जो कनेक्टर है इसको आपने 10x के ऊपर रख लेना है, उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करूँ चैनल 1 के साथ। अभी मैंने इसको चैनल 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी कुछ नॉइस वगैरह ये डिटेक्ट कर रही है ओसिलोस्कोप। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ओसिलोस्कोप के साथ इन्होंने दिया हुआ होता है एक ग्राउंड और सिग्नल 3 वोल्ट 1 kHz का, तो इसी को हम पहले मेजर करते हैं क्या वाकई ये 3 वोल्ट पीक टू पीक और 1 kHz का सिग्नल है या नहीं। तो उसका तरीका ये है कि प्रॉप के साथ जो ये कनेक्टर होता है क्रोकोडाइल, ये जो है आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेना है, जो नीचे वाला इसका कनेक्टर है, ठीक है, और ये जो कनेक्टर होता है, ठीक है, ये रिमूव भी हो जाता है, ठीक है, ये इसके आगे स्पिन होती है। जब सर्किट्स के अंदर हम काम करते हैं तो हम टच अगर हमने करना हो तो फिर हम ये यूज़ करते हैं, अदरवाइज ज़्यादा जो है वो ये इसकी हुक जो होती है ये यूज़ होती है। तो इस हुक को हमने ऊपर लगा देना है सिग्नल के अंदर, ठीक है। अब भी देखें ये मेरे पास एक डिस्प्ले आ गया, ठीक है। आप हो सकता है कनेक्ट करें तो कुछ इस तरह का ख़राब सी वेव फार्म डिस्प्ले हो रही हो, ठीक है। तो इसको सेट कैसे करते हैं वेव फार्म को, एक तो तरीका ये है ऑटो का। इसके अंदर ऑटो का एक बटन होता है हमारे पास, ठीक है, ये टॉप पे बटन है, ये मैं एक दफ़ा प्रेस करूँगा ऑटोमेटिकली ये देखेगा चैनल 1 2 पे किस पे सिग्नल आ रहा है और कितना आ रहा है। देखिए इसने ऑटो एडजस्ट कर दिया सिग्नल को, ठीक हो गया। अगर ये ऑटो नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल जो है आपका ख़राब हुआ हुआ है, तो अब आप कैसे एडजस्ट करेंगे। तो पहले आपने करना ये है कि आपने जो ये सेकेंड पर डिवीजन है, टाइम डिवीजन, यानी कि इस वेवफॉर्म की ये चीज़ ये आपने काम करनी है। इसे इसको आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो ये देखें अभी ज़्यादा लाइन मुझे नज़र आ रही है ओसिलोस्कोप के ऊपर। अब ये चीज़ तो हमारी एडजस्ट होगी, ठीक है। अब जो ये इसका एम्पलीट्यूड है ये एडजस्ट होता है वोल्ट पर डिवीजन से, ठीक है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये देखें इसका एम्पलीट्यूड, अब और काम करता जाऊँगा तो मैं कम ही होता जाएगा, और अगर टाइम डिवीजन में काम करूँगा तो ये देखें कम हो गई है। इसी तरह अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ और टाइम पर डिवीजन को भी ज़्यादा करता हूँ, देखें ये ओपन होती जा रही है वेव फॉर्म। तो ये जो टाइम पर डिवीजन है ये हमारा एक्स एक्सिस जो है उसको इनक्रीज डिक्रीज़ करता है, ठीक
ठीक है। और जो ये वोल्ट पर डिवीजन है, ये हमारा एम्पलीट्यूड जो होता है वेवफॉर्म का, उसको कम ज़्यादा करता है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है ये जो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हम लोग ट्रिगर लेवल की। ये जो अब हमारे पास नॉब है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रिगर लेवल। ठीक हो गया, ये अगर आप यहाँ पर देखें एरो सा बना हुआ है, ठीक है। जब मैं इसको मूव कराता हूँ एरो ऊपर चला जाता है। तो ट्रिगर असल में क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि कहाँ पर वेव जो है वो स्टेबल आ रही है। अब जैसे ही मैं इसको इस लेवल से नीचे करूँगा, ये देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहे हैं, यानी अप डाउन हो रहे हैं, और इसने किसी एक पॉइंट को ना सैंपल कर लिया है और बिल्कुल स्टेबल कर दिया है वेवफॉर्म। अब इसका एक मेन्यू भी है नीचे, ट्रिगर मेन्यू लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। टाइप एच मीन इसको हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। एच का ये मतलब है कि एच को डिटेक्ट करेगा ट्रिगर जो है। अभी जो है ये पल्स मोड के अंदर चला गया, उसको डिटेक्ट करेगा। फिर दोबारा मैं प्रेस करूँगा, एच पे आ गए। तो उसके बाद यहाँ नीचे एक और ऑप्शन है स्लोप का, राइज या फॉल। अब देखें ये जो टॉप वाला एरो है ट्रिगर का, ये जहाँ पर आ रहा है यहाँ से राइज हो रही है हमारी, ठीक है। स्लोप यहाँ से राइज हो रही है, और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ फॉल के ऊपर कर देता हूँ। अब देखें जिस पॉइंट पे ये एरो आ गया, यहाँ से फॉल हो रही है, ठीक है, यानी नीचे गिर रही है जो वेव फॉर्म है। तो राइज और फॉल यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये देखें एक और भी ऑप्शन है इसमें राइज फॉल, ये दोनों इसने जो है मिक्स कर दिए हैं। तो इसको आप लोग या राइज पे रख लें या फॉल पे, दोनों जो है वो काम करते हैं। दोस्तों ये वेव फॉर्म जो है वो है जो कि कंटिन्यूस है, ठीक है। ये देखें ये मतलब इंक्रीज जाती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिसमें सिर्फ सिंगल सिग्नल हमने रीड करना है, मीन एक दफ़ा सिग्नल आता है फिर ख़त्म हो जाता है, तो वो हम कैसे रीड करते हैं, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें तरीका ये होता है कि जो आपने ट्रिगर मेन्यू है इसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर जो मूड है ये हम सिंगल के अंदर कर देंगे, नॉर्मल है, इसके बाद ये सिंगल मूड है। अब सिंगल मूड के अंदर जो हमारा है ना ट्रिगर मेन्यू, इसको हमने रखना है, हमें पता होना चाहिए भाई कहाँ पर वेव फॉर्म आएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। जैसे ही इस लेवल से ऊपर कोई भी वेव फॉर्म या वोल्टेज जाएंगे ना, ये उसका फ़ोटो बना लेगा एक किस्म का, ठीक है। अभी देखें होगा क्या, जैसे ही मैं इसके साथ हार्ड टच करता हूँ, ये देखें लाइट जो थी पहले ग्रीन थी, रेड हो गई है। इसने एक सैंपल लिया और उसके बाद इसने स्टॉप कर दिया, ठीक है। अभी इसने फ़ोटो खींच दिया। अब इसको हम छोटा करके ऐसे करीब करके हम लोग इसको रीड भी कर सकते हैं, जो भी हमने इसके पैरामीटर देखने हैं कि ये कौन सा सिग्नल था वट एवर। तो मतलब ये इसका सिग्नल सिंगल शॉट हम लेते हैं। दोबारा से मैं इसको रन पे दबाऊंगा, ठीक है, ये देखें ग्रीन हो गई है। अब जैसे ही कोई भी मैं इसको सिग्नल देता हूँ, या कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है या कोई इस तरह का इवेंट होता है, तो देखें जैसे ही मैंने टच किया, तो अगर आपने इसका साइज़ कम करना है, ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको करूँगा दोबारा से। तो अभी देखते हैं, देखें कम हो गया, और कम करते हैं थोड़ा थोड़ा इधर से भी करके दोबारा से हम लोग ना। तो अभी देखें इसको मैंने रनिंग पे रख दी है, ठीक है। जैसे मैं इसको टच करता हूँ, तो ये देखें इसने एक वेव फॉर्म एक फ़ोटो बना ली है, ठीक है। तो इसके पैरामीटर्स जो हैं वो भी मैं देख सकता हूँ। दोस्तों अगर किसी भी वेव फॉर्म के हमने पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, वोल्टेज वगैरह, उसका ड्यूटी साइकिल क्या है, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है, तो उसका क्या तरीका होगा, तो यहाँ पर ऊपर एक बटन है मेयर का, ये हम प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद F5 का जो बटन है फंक्शन बटन, इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखें यहाँ लिखा आ गया पैरामीटर्स, तो यहाँ पे मैं दोबारा से प्रेस करूँगा, तो ये हमें जो है पैरामीटर्स शो कर रहा है सारे के सारे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें हमें बता रहा है फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है, और वहाँ पर लिखी हुई भी 1 किलोहर्ट्ज़ है। इसका पीरियड जो है 1 मिलीसेकंड है, और ये हमें राइज और फॉल बता रहा है, मीन राइज टाइम इसका कितना है, यानी कितने सेकंड के अंदर ये राइज हो रही है और फॉल हो रही है, वो 20 माइक्रो सेकंड है, और 20 माइक्रो सेकंड इसका फॉल टाइम है। उसके बाद ये वेट्स वगैरह बता रहा है। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ से देखते हैं, वो है इसका ड्यूटी साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों 50% है, मीन हाफ टाइम के लिए ये राइज हो रहा है, हाफ टाइम ये जो है डाउन हो रहा है। तो इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो 50% है, वो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद इस साइड पर आए हम, तो यहाँ पर हमें पीक बता रहे हैं, यानी 3.24 वोल्ट की पीक है इस सिग्नल की, ठीक है। आरएमएस वैल्यू भी बता रहे हैं हमें, रूट मीन्स के 1.56 वोल्ट जो है ये आरएमएस है। तो ये पैरामीटर्स हैं जो हम लोग जो है फाइंड करते हैं, यहाँ से हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दोस्तों भी बात कर लेते हैं हम लोग कर्सर्स की, कि कर्सर्स जो उसका फंक्शन है उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे बटन है कर्सर का, इसको मैं प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर देखें कर्सर टाइप आ गया ऑफ़, तो इसको मैं एक दफ़ा प्रेस करूँगा, देखें वोल्ट आ गए, ठीक है। अभी ये हमारे पास दो लाइंस आ जाती हैं, इनको कर्सर्स कहते हैं, ठीक है। एक जो है वो डॉटेड लाइन है, एक जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब इनको सेलेक्ट कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, ये जो बटन है
मल्टीपर्पज़ इसके थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। ये पुश सिलेक्टेड है, ठीक है। इसको अगर मैं पुश करता हूँ, अभी देखें ये नीचे वाला कर्सर मूव कर रहा है अप डाउन, फिर मैं इसको पुश करूँगा, अब देखें वो टॉप वाला कर्सर मूव कर रहा है। तो इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, हम पहले टॉप वाले कर्सर को नीचे मूव कराते हैं, बिल्कुल ये जो वेव फॉर्म जो भी आपने मेजर करनी है उसके टॉप पे रखेंगे, फिर मैं प्रेस कर दूंगा, फिर अब नीचे वाला कर्सर मैं मूव कराऊंगा, उसको भी यहाँ पर मैं वेव फॉर्म के निचले पॉइंट पर ले जाऊंगा, ठीक हो गया। अब भी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है डेल्टा वी 3.12 वोल्ट, यानी कि ये जो दो कर्सर हैं इनके अंदर जो वोल्टेज है वो 3.12 वोल्ट है, मतलब ये जो वेव फॉर्म टॉप अप डाउन जा रही है इसके पीक टू पीक वोल्टेज 3.12 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ ऑसिलोस्कोप के ऊपर लिखे हुए भी हैं 1.33 वोल्ट पीक टू पीक। तो वी ए और वी बी इन कर्सर्स की पोजीशन है, जो नीचे वाला कर्सर है ये -1.48 वोल्ट पे है और टॉप वाला जो है 1.64 वोल्ट के ऊपर है, पोजीशन के ऊपर है। तो ये थे हमारे जो है वर्टिकल कर्सर्स। अब यहाँ पर एक और कर्सर है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें अब वर्टिकल दूसरे कर्सर्स आ गए हैं, ठीक है। वो जो थे वो टॉप बॉटम मूव करते थे, ये जो है ये लेफ्ट राइट मूव करेंगे, ठीक है। इनके थ्रू हम लोग टाइम के मेजरमेंट करते हैं। अभी मैं इसको ना थोड़ा सा टाइम पर डिवीजन इसका बढ़ा लेता हूँ आसानी के लिए। तो अभी इस कर्सर को मैं यहाँ पर ले जाऊँगा इस पोजीशन पे, ठीक है। अब मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, जो दूसरा कर्सर है इसको मैं इस वेव फॉर्म के यहाँ पर रख दूंगा। जो एक वेव फॉर्म होती है वो कंप्लीट जो है वो 2 साइकिल्स में होती है, यानी एक साइकिल डाउन का और एक टॉप का, तो हमारा एक वेव फॉर्म जो है उसका पीरियड पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप मेजरमेंट देखें तो ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा टी 1 मिली सेकेंड, ठीक है। 1 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, और 1 आवर अगर डेल्टा टी कर दें तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी इसकी 1 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है। सेम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर भी लिखी हुई है हमारे पास कोने पे कि ये 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है। तो इस तरीके से कर्सर्स को यूज़ करके हम लोग किसी भी वेवफॉर्म के जो वोल्टेज हैं वो हम मेजरमेंट करते हैं, उसका टाइम और उसके वोल्टेज जो है वो हम मेजरमेंट करते हैं उसकी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं, अगर हमने एट अ टाइम 2 चैनल्स यूज़ करने हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कई सर्किट होते हैं जिनकी इनपुट भी हमने देखनी होती है और आउटपुट भी, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इन कर्सर्स को हम ऑफ़ कर लेते हैं, ये ऑफ़ हो गए। तो अब करना ये है कि जो सेकंड प्रोब है उसको हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, चैनल 2 के अंदर। इसको सेम उसी तरीके से आपने कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो इसकी प्रोब होगी इसको हम लोग ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो गया, अभी यहाँ पर चैनल 2 ऑफ हुआ हुआ है, ठीक है। चैनल 2 को मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें चैनल 2 ऑन हो गया। यहाँ पर मेरी येलो कलर की लाइन्स जो है वो नज़र आ रही हैं। अभी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें। एम्पलीट्यूड देखें सेट हो गया। अब इसकी फ्रिक्वेंसी जो है इसका ये चीज़ काम करनी पड़ेगी हमें। और अभी इनकी पोजीशन आप डाउन कर लेते हैं, ठीक है। चैनल 1 को मैं क्लिक करूँगा और ये पोजीशन वाला कर्सर जब मैं इसको मूव कराता हूँ तो ये देखें ये ऊपर मूव हो गया। अभी मैं चैनल 2 को प्रेस करूँगा और इसको थोड़ा नीचे ले आऊँगा, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा हम कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है एट अ टाइम 2 चैनल्स जो हैं उनकी मेजरमेंट ले सकते हैं। ये आपको बारीक इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ये 3000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, ये सिर्फ 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, तो इसलिए इनकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही, इसलिए ये बारीक है और ये जो है ये आपको क्लियर नज़र आ रही है। दोस्तों हमारे घर में जो वेव फॉर्म आती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, साइन वेव होती है। अब यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है, मैंने प्रोब्स को डायरेक्ट 220 वोल्ट के साथ अटैच नहीं किया। इसकी एक रीज़न है, ये एक मिस्टेक है जो बहुत से लोग करते हैं। आपने कभी भी प्रोब्स को डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी के अंदर कनेक्ट नहीं करना। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोब का जो नेगेटिव कनेक्टर होता है, ये वाला जो नेगेटिव होता है, ये कनेक्ट हुआ हुआ होता है, ये इस ऑसिलोस्कोप का जो ग्राउंड होते हैं, ये साइड वाले जो ग्राउंड हैं इनके साथ कनेक्ट हुआ हुआ होता है ये। और ये जो है जो इसकी पावर केबल है ऑसिलोस्कोप की, उसके जो ग्राउंड टर्मिनल होता है उसके साथ ये अटैच होते हैं। तो अगर आप मिस्टेकनली ये जो कनेक्टर है इसको आप फेज़ के साथ कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या कि ये डायरेक्ट फेज़ जो है वो आपका ग्राउंड के अंदर जाएगा, जिससे आपकी ऑसिलोस्कोप जो है वो ख़राब भी हो सकती है। तो अगर आपने सिर्फ वेव फॉर्म टेस्ट करनी है तो आप कोशिश करें कि एक ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें और उसके बाद आप उसकी वेव फॉर्म जो है वो टेस्ट करें। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो यहाँ तक ही है। उम्मीद है आपको ऑसिलोस्कोप का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल सर्किट्स डायरी पर न्यू हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।